नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विभूति की विशेषताओं के बारे में। वैसे तो विभूति को भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि भगवान शिव इकलौते ऐसे देव हैं जो अपने पूरे शरीर पर ही विभूति यानी कि राख लगाते थे। लेकिन इसका माध्यम ये भी कहा जाता है कि राख एक पूजा के दौरान बनने वाली वैसी लकीरें हैं जो हमारे माथे पर बन जाती हैं। उन लकीरों को मिटाने के लिए हम लोग राख यानी कि विभूति का इस्तेमाल करते हैं। विभूति गाय के गोबर से या फिर चावल की भूसी से बनाई जाती है। तो आज जानते हैं कि विभूति की क्या विशेषताएं होती हैं और एक विभूति तैयार कैसे करते हैं। विभूति वैसे शमशान घाट में गाय के गोबर से, चावल के भूसे से और उसके साथ पवित्र लकड़ियों को जलाकर जो राख बनती है उसे ही विभूति कहा जाता है। नंबर दो, प्रतीकात्मक कार्य। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन अस्थायी है। हमें कुछ समय के बाद यानी कि जीवन के सभी कार्य करने के बाद हमें भी राख में परिवर्तित ही होना है, क्योंकि हमारा जीवन एक प्रतीकात्मक है यानी कि अस्थायी है। हमारे जीवन की कोई भी कल्पना नहीं कर सकते कब मृत्यु हमें ले जाए, हमें किसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए भी कहा जाता है कभी भी जो भी वासनाएँ हैं यानी कि अपनी इच्छाएँ पूर्ति हैं उन्हें कम रखना चाहिए। जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए, उससे ज़्यादा इच्छा की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। नंबर तीन, विभूति हम वैसे माथे पर, हाथ पे और गर्दन पे लगाते हैं और विभूति लगाने के साथ साथ हम सिंदूर का प्रयोग भी करते हैं। जैसे भगवान शिव सिंदूर लगाने के बाद ही विभूति लगाते हैं। कहते हैं शक्ति का प्रतीक होता है और ब्रह्मांड में शक्ति के लिए भगवान शिव और पार्वती दोनों एक ही सत्य माने जाते हैं। यदि आप इन दोनों का प्रयोग यानी कि विभूति और सिंदूर का प्रयोग अपने लिए करते हैं तो यह आपको शक्ति प्रदान करता है। नंबर चार, औषधीय महत्व। वैसे तो विभूति का औषधीय महत्व भी है। हमारे शरीर से निकलने वाले ऊर्जावान को कम करने के लिए यानी कि सोखने के लिए हम विभूति का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी साधु होते हैं वह नहाने के लिए साबुन का यूज ना करके विभूति का यूज करते हैं। विभूति का यूज करने से इसका मतलब ये है कि वह अपने शरीर से सारी बीमारियों को दूर करते हैं, सिर दर्द भी गायब हो जाता है और हमारे शरीर से नमी भी कम हो जाती है। जितने भी सूखापन हमारे शरीर से रहता है अगर हम विभूति का प्रयोग करते हैं तो वह हमारी नमी वापस आ जाती है। इसलिए भी साधु विभूति का ही प्रयोग करते हैं। नंबर पाँच, विभूति वैसे सबसे ज़्यादा पसंदीदा समान है भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव इसे हर बार प्रयोग में लाते हैं। कहा जाता है पूरा संसार एक दिन राख बनने के बाद भगवान शिव में ही समा जाएगा, इसलिए विभूति का सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। कहा जाता है यदि आप अपने शरीर पर विभूति का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, जीवन में हमेशा सकारात्मक ही रहोगे और खुशियां और सौभाग्य आपकी ज़िंदगी में रहेगा। ये है विभूति लगाने के महत्व। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।